अब देखो बे, इस वीडियो के अंदर हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम एडमिन पैनल V3 का सर्वर सेटअप करोगे। और पिछले वाले पार्ट के अंदर हमने तुम्हें एडमिन पैनल V3 का प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दिया था। अगर तुम्हें एडमिन पैनल V3 का प्रोजेक्ट चाहिए तो जाके पार्ट 1 देख लेना, एंड अगर तुम लोग पार्ट 1 नहीं देखोगे तो तुम्हें ये वाला पार्ट घंटा नहीं समझ आएगा। और देखो, जितनी भी सर्वर की जो फाइल है उन सबका जो लिंक है वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। एंड चलो फिर बिना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो। सो लेट्स बिगिन। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें एमटी मैनेजर के अंदर आ जाना है, एंड यहाँ पे आने के बाद उस वाले फोल्डर के अंदर आना है जहाँ पे तुमने अपनी फाइल को डाउनलोड कर रखा होगा। तो यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें ये वाली फाइल को डाउनलोड करना है, एडमिन पैनल V3 सर्वर फाइल्स, एंड इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड ये वाली जो फाइल है, ये हमारी बोले तो प्रोजेक्ट वाली फाइल है, इसको हमने तुम्हें पिछली वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दिया था, जाकर के वीडियो देख लेना एंड इसको डाउनलोड कर लेना, इसको सेटअप वगैरह कर लेना। अभी हम लोग अपने सर्वर को सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी जिप फाइल है, तो जिप फाइल के ऊपर ऐसा लॉन्ग प्रेस करके रखो, एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू का बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू करेंट डायरेक्टरी ये टिक करके ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद तुम्हारे पास ये वाला फोल्डर देखने को मिल जाएगा। अब तुम्हें इसके अंदर आ जाना है, एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स देखने को मिलेगी, एंड इन सारी फाइल के अंदर हमें मतलब बोले तो एडिटिंग करना है। एडिटिंग मतलब इसके अंदर कुछ कोड डालने हैं। तो कोड को डालने के लिए तुम्हें यहाँ पे आना है अपने गूगल क्रोम पे, एंड यहाँ पे आ जाने के बाद इस वाली वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है 000 वेब होस्ट। यहाँ पे तुम्हें बोले तो फ्री में होस्टिंग मिल जाएगी, एंड अगर तुम्हारे पास पहले से ही मतलब पेड वाली होस्टिंग है, तुम्हारी खुद की जो होस्टिंग रहती है जो कि तुमने खरीदा होगा, तो तुम लोग उसका प्रयोग कर सकते हो, मेथड बिल्कुल ही सेम रहेगा। अब तुम्हें यहाँ पे आ जाने के बाद 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे देखो साइन इन का बटन मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद ऐसा इंटरफेस तुम्हारे सामने बोले तो लोड होने लगेगा, एंड लोड हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नेम जो रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो इस तरीके से क्लिक करोगे देन यहाँ पे ये नेम मिलेगा। तो नेम ऑप्शनल है, तुम यहाँ पे कुछ भी नेम डाल सकते हो। तो इसको यहाँ पे नेम हम चलो डाल देते हैं एडमिन पैनल V3 डाल देंगे, तो एडमिन पैनल और यहाँ पे V3 इसको कर देते हैं बिना स्पेस के, क्या पता बाद में ये स्पेस ले या ना ले। तो इसको करेंगे इधर साइड एंड P के बगल से इसको हटा करके ये कर देंगे, ठीक है, एडमिन पैनल V3 कर देते हैं इसको। हाँ, V3 पैनल हो जाएगा ये, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल देना है, कुछ भी पासवर्ड, चलो हम इसको ही कॉपी करके एंड कॉपी इधर साइड पेस्ट कर देंगे, एंड कुछ भी अपने हिसाब से पासवर्ड डाल देना है। देन इसको क्रिएट कर देना है। क्रिएट कर देने के बाद यहाँ पे कुछ गलत बता रहा है, तो इसको शायद 1 नंबर चाहिए, इसमें नंबर तो है, और एट द रेट लगा देते हैं चलो। एंड हाँ, ये अब हो चुका है, यहाँ पे सब कुछ टिक हो गया है, ग्रीन टिक लग गया है। अब इसको बोले तो इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब ये क्रिएट कर देने के बाद देखो यहाँ पे गोल गोल होने लगा है, एंड तुम्हारी जो वेबसाइट रहेगी वो क्रिएट हो जाएगी। तो वेबसाइट क्रिएट हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे मैनेज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे डाटाबेस ढूंढना है। तो डाटाबेस पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। तुम लोग यहाँ पे आओगे, हाँ देखो ये जो डाटाबेस है, तो डाटाबेस वाले ऑप्शन के अंदर तुम्हें ये वाला एक मिलेगा बोले तो माई SQL डाटाबेस, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, तुम्हारी जो वेबसाइट है वो लोड हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट न्यू डाटाबेस, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे तुम्हें नेम देना है, यूज़र नेम देना है एंड पासवर्ड। तो इसको तुम लोग कुछ भी दे सकते हो, तो यहाँ पे चलो हम नेम दे देते हैं एडमिन ADMIN एडमिन PAN लिखेंगे, उसके बाद नेम देना है सिर्फ PAN EL लिख देते हैं, चलो एडमिन पैनल हो जाएगा। एंड यूज़र नेम के अंदर हम लोग चलो यूज़र आगे यू लगा देंगे, तो यू लिख करके एंड यही सेम टू सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड इसको कर देंगे पेस्ट, एंड इसको यू को छोटा कर देते हैं, यू छोटा ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। अभी पासवर्ड के अंदर तुम्हें कुछ भी पासवर्ड डाल देना है, तो वही चीज़ हम लोग वापस से पेस्ट करेंगे, एंड इसके अंदर जो भी ये मतलब टिक मांगेगा ना, अभी 1 नंबर 1 सिंबल इसको सब डाल देना है। तो एक सिंबल डाल देते हैं और एक यहाँ पे इसको ए को बड़ा कर देते हैं, ताकि हमारा जो एलिजिबिलिटी रहे पासवर्ड को आगे ले जाने की वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे 1 नंबर डाल देना है, तो नंबर की जगह हम यहाँ पे चलो 2 लिख देते हैं। तो देखो सब में टिक लग चुका है। इसके बाद तुम्हें पहले इसको पासवर्ड को कॉपी कर लेना है, यहाँ देखो एक ये पासवर्ड मिलेगा ना, तो ये वाला जो पासवर्ड तुमने अभी अभी क्रिएट किया है, इस पासवर्ड को ऐसा कॉपी कर लो। अरे यार पेस्ट कर दिए हम, धैत रुक जाओ फिर से करते हैं। इसको यहाँ पे 2 लगाएंगे एंड इसको ए को बड़ा कर देंगे, ये हो जाएगा। अब इसको जो है इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्रिएट का बटन देखने को मिलेगा, तो तुम्हें यहाँ पे इसको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे क्लिक करते ही तुम्हारा जो डाटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा।
तो डाटाबेस क्रिएट हो जाने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी तुम्हें आ जाना है एम टी मैनेजर के अंदर वापस, एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें इस वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है जो कि तुम्हारा ये वाला फोल्डर बन जाएगा ना, एडमिन पैनल V3 सर्वर फाइल्स। तो इसके अंदर आ जाने के बाद ये जो ऑथ डॉट पी एच पी मिलेगा, देखो यहाँ पे ऑथ डॉट पी एच पी, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुमने अभी क्या कॉपी किया था डाटाबेस के पासवर्ड को, तो डाटाबेस पासवर्ड को ऐसा सिलेक्ट करो, इसको हटाओ एंड अपने पासवर्ड को पेस्ट कर दो। ये कर देने के बाद बैक आना है इधर साइड, एंड यहाँ पे इस बार तुम्हें कॉपी कर लेना है डाटाबेस नेम, तो इतना आईडी से लेकर के एंड जो भी तुम्हारा आगे नाम रहेगा इसको ऐसा कॉपी करना है, अंदर आना है एंड डाटाबेस नेम की जगह पेस्ट करना है। तो डाटाबेस नेम ये है, इसको हटाना है एंड अपने नेम को पेस्ट कर देना है। उसके बाद वापस आना है इसके अंदर एंड डाटाबेस यूज़र नेम को कॉपी करना है इस बार, तो यूज़र नेम कॉपी हो चुका है। अब इधर साइड वापस आएंगे एंड यूज़र नेम के अंदर इसको हटा करके एंड यूज़र नेम को पेस्ट कर देंगे। अब ये कर देने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो सबसे ऊपर एक सेव का बटन मिलेगा, तो सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक कर देना है, बैक करने के बाद ऑथ डॉट पी एच पी डॉट बी ए के ये वाली फाइल बन जाएगी, तो बी ए के फाइल को लात मार के ऐसा डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद अभी देखो यहाँ पे तुम्हें एक मिलेगा डाटाबेस डॉट एस क्यू एल, तो एस क्यू एल के ऊपर क्लिक करना है, इसको टेक्स्ट एडिटर पे चले जाना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद देखो यहाँ पे एक मिलेगा डाटाबेस नेम, तो डाटाबेस नेम के अंदर तुम्हें डाटाबेस नेम फिर से कॉपी करके ले आना है। यहाँ से देखो डाटाबेस नेम कॉपी हो चुका है। अब इधर साइड वापस आएंगे एंड डाटाबेस नेम के अंदर इसको हटा करके अपने नेम को पेस्ट कर देंगे, तो इसको फिर से इसको अंडो करेंगे, इतना सिलेक्ट करेंगे, हटाएंगे एंड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस जगह पे तुम्हें अपने डाटाबेस को नेम पेस्ट कर देना है। एंड ये कर देने के बाद तुम्हें सबसे ऊपर सेव मिलेगा, सेव क्लिक करके ब्लैक मतलब बैक करना है। बैक कर देने के बाद ये जो डाटाबेस एस क्यू एल डॉट बी ए के फाइल बन जाएगी, तो बी ए के फाइल को लात मार के ऐसा डिलीट कर देना है। अब हमारा काम यहाँ पे इसको एडिट करने का पूरा होता है। अभी तुम्हें वापस आना है इसके अंदर क्रोम के अंदर, एंड यहाँ पे आ जाने के बाद देखो यहाँ पे एक थ्री डॉट मिलेगा सबसे नीचे, तो थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पे पी एच पी माई एडमिन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड थोड़ा सा वेट करना है, तुम्हारे सामने एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, देन तुम्हारे यहाँ पे डाटाबेस का जो नेम है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो इस नेम के ऊपर क्लिक करो, ये लोडिंग हो जाएगा। लोडिंग हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो सबसे ऊपर एक एरो मिलेगा, तो एरो के ऊपर ऐसा क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे देखो सबसे ऊपर यहाँ पे थ्री लाइन मिलेगा, थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इम्पोर्ट का, तो इम्पोर्ट के ऊपर आ जाना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद देखो यहाँ पे एक चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे एक अपलोड अ फाइल मिलेगा, तो अपलोड अ फाइल के ऊपर तुम्हें क्लिक कर देना है। तो अपलोड अ फाइल के ऊपर क्लिक कर देने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक चूज फाइल का बटन मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद फाइल्स के ऊपर आ जाना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें उस वाले फोल्डर के अंदर आना है जहाँ पे तुम्हारा जो मतलब एडमिन पैनल का जो फोल्डर है उसके अंदर आना है, तो मेरा इसके अंदर है, देन एडमिन पैनल V3 सर्वर फाइल्स, इसके अंदर आना है। उसके बाद ये जो डाटाबेस डॉट एस क्यू एल ये वाली फाइल मिलेगी ना, तो इसे ऐसा टैप कर देना है, ये यहाँ पे मतलब सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट हो जाने के बाद तुम्हें सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आ जाने के बाद एक बटन देखने को मिलेगा इम्पोर्ट का, तो इम्पोर्ट के ऊपर ऐसा क्लिक कर देना है एंड थोड़ा सा वेट करना है, जो तुम्हारा मतलब डाटाबेस रहेगा वो इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो इंपोर्ट हो जाने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, सब कुछ मत बोले तो येलो कलर से यहाँ पे बोले तो मतलब टिक लग जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब तुम्हें वापस आ जाना है अपने उस वाले टैब के अंदर जहाँ पे तुम्हारा मतलब सी पैनल खुला हुआ था वेबसाइट का, सी पैनल बोले तो तुम्हें इस वाले टैब के अंदर आ जाना है जहाँ पे तुम्हारे इस तरीके से इंटरफेस आ रहा था। अब तुम्हें यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें देखो एक ये वाला एरो मिलेगा, ये वाला देखो एक एरो, अरे यार ये क्या क्या खुल जा रहा है, हाँ देखो ये वाला एक एरो मिलेगा, तो इस वाले एरो के ऊपर ऐसा टैप करना है। टैप कर देने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, तो फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, तुम्हारे सामने एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि तुम्हारे जो वेबसाइट है उसका जो फाइल मैनेजर रहता है उसका डाटाबेस खुल जाएगा, डाटाबेस मतलब सी पैनल खुल जाएगा। ठीक, अब तुम्हें यहाँ पे आ जाने के बाद पब्लिक अंडर स्कोर HTML मिलेगा, तो इसके ऊपर ऐसा डबल टैप करना है, तुम इसके अंदर घुस जाओगे। अब तुम्हें यहाँ पे देखो एक अपलोड का बटन मिलेगा, ये वाला अपलोड का, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, एक मिनट रुक जाओ, इसको कर देते हैं चलो हरियर कलर कर देते हैं, हरा हरा। ठीक है, तो देखो ये अपलोड का एक बटन मिलेगा, ये वाला अपलोड का, तो इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स के ऊपर आ जाना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें फाइल्स के ऊपर आना है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे डाटाबेस SQL को छोड़ करके इसको मत सिलेक्ट करना, बाकी सबको सिलेक्ट कर दो। ठीक है, इसे 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 और इसे भी, ठीक, तो सबको ऐसा सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करते हैं एंड इसको कर देंगे अनसिलेक्ट, इसको करेंगे अनसिलेक्ट। उसके बाद सबसे ऊपर सिलेक्ट का बटन मिलेगा, ये वाला देखो सिलेक्ट मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ पे देखो सारी फाइल्स आ चुकी है, देन तुम्हें यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड ये अपलोड हो जाते ही तुम्हें थोड़ा सा वेट कर लेना है, तुम्हारी जो फाइल्स हैं वो सब यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। एंड ये सब हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे किसी एक के ऊपर टैप कर देना है, चलो यहाँ पे ये, हाँ किसी एक के ऊपर नहीं, तुम्हें ऑथ डॉट पी एच पी के ऊपर टैप करना है, मतलब ऑथ डॉट पी एच पी के ऊपर ऐसा टैप करना है।
टैप कर देने के बाद ये फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अब तुम्हें यहाँ पे एक ये व्यू का बटन मिलेगा जो कि एक पेज का बटन मिलेगा, तो पेज के ऊपर क्लिक करना है एंड इस तरीके से तुम्हारा जो मतलब है वेबसाइट है वो खुल जाएगा। एंड अगर देखो तुम्हारा जो मतलब ये जो पेज खुल के आएगा ये अगर बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो डाटाबेस है और फाइल मैनेजर है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं सक्सेसफुली। एंड यहाँ पर अगर कुछ लिख करके आ रहा है डाटाबेस कनेक्शन फेल, तो समझ जाओ तुम्हारा जो डाटाबेस है वो फाइल मैनेजर से मतलब कनेक्ट नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे देखो हमारा बिल्कुल ब्लैंक है, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। अब तुम्हें ये जो इसका यूआरएल मिल रहा है यूआरएल, तो यूआरएल के ऊपर आ जाना है, इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे ये जो ऑट डॉट पी एच पी मिलेगा इसको हटा देना है, ऑट डॉट पी एच पी इतना हटा देना है, देखो इतना हटाना है। एंड ये जो पूरा का पूरा वेबसाइट का यूआरएल मिलेगा इतना इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लो, ठीक है, लेकिन तुम्हें ऑट डॉट पी एच पी को हटा देना है। ये कर देने के बाद तुम्हें वापस से आ जाना है। अब हमारा मतलब जो लिंक है वो लिंक जो है अपने हमारे सर्वर की जो लिंक होती है मेन लिंक वो कॉपी हो चुकी है। अब तुम्हें आना है अपने एंडलुआ के अंदर, अब आना है तुम्हें एडमिन पैनल V3 के प्रोजेक्ट के अंदर। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले मेन डॉट लुआ के अंदर अपने जो सर्वर फाइल की मतलब सर्वर की जो लिंक है उसे पेस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे नीचे आना है मेन डॉट लुआ के अंदर। नीचे आ जाने के बाद देखो यहाँ पे एक लिखा रहेगा सर्वर, ये देखो सर्वर लिखा ना, सर्वर HTTPS कुछ आगे लिंक लिखी हुई है, तो ये लिंक हटाना है। एंड इसको हटा देने के बाद तुम्हारा जो सर्वर का लिंक है मतलब तुम्हारे जो सर्वर का लिंक है उसको यहाँ पे इसको हटा करके पेस्ट कर देना है, देखो यहाँ पे इस तरीके से ये पेस्ट हो जाएगी। अब तुम्हें आना है इसके अंदर एडिट डॉट लुआ के अंदर, एडिट डॉट लुआ के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो एक सर्वर का ये वाला लिंक मिलेगा एक और, अरे यार साला कहाँ चला गया, हाँ ये है देखो ये जो लिंक है इसको हटाना है एंड अपनी वाली लिंक को पेस्ट कर देना है। ये कर देने के बाद अभी देखो ये हमारा काम पूरा होता है हमारे बोले तो एडमिन पैनल के अंदर का। देखो अभी यहाँ पे हम इसको प्ले करेंगे एंड कुछ भी यूज़र नेम यहाँ पे बोले तो रजिस्टर कर देते हैं, चलो AA एंड पासवर्ड भी AA, इसको 1 वीक करके रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा यूज़र रहेगा वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। एंड हम तुम्हें डाटाबेस के अंदर जा करके दिखा भी देंगे कि हाँ ये रजिस्टर हो गया है कि नहीं, देखो यहाँ पे यूज़र रजिस्टर सक्सेस हो चुका है। अब हम इधर साइड आएंगे अपने क्रोम के अंदर एंड यहाँ पे आ जाने के बाद इसके अंदर आएंगे बोले तो डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस मतलब ये जो डाटाबेस का इसको बोलते हैं PHP माई एडमिन SQL, ठीक है, तो SQL वाले डाटाबेस के अंदर आएंगे, सबसे ऊपर ये जो एरो मिलेगा एरो के ऊपर क्लिक करके तुम्हें यहाँ पे ये जो रजिस्टर का एक बटन मिलेगा रजिस्टर वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करके आ जाना है एंड फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है एरो के ऊपर। एंड यहाँ पे देखो हमने कौन सा अभी रजिस्टर किया है बोले तो AA नाम से, देखो हमने अभी इसको रजिस्टर किया ना, तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। और इसकी यहाँ पे तुम लोग रजिस्टर डेट भी देख सकते हो 4 अगस्त यहाँ पे 2023 यहाँ पे देख सकते हो, यही है, बाकी तुम लोग बाद में वीडियो देखते हो तो वो अलग बात है, वीडियो की भी जो मतलब पब्लिश की जो डेट है वही डेट यहाँ पे सेम टू सेम है। यहाँ पे देखो क्रिएट डेट दिख रहा है, तो क्रिएट डेट और ये 4 अगस्त बोले तो जो कि हमने अभी रजिस्टर किया है। एक बार हम फिर से चलो मतलब तुम्हारी तसल्ली के लिए फिर से दिखा देते हैं ना, कुछ अखंड प्राणी होते हैं जो कि मानते ही नहीं हैं, चलो यहाँ पे इस बार हम कर देते हैं WW, इसको भी हटाएंगे WW, इसको 1 मंथ करके रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर कर देने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। अभी हम तुम्हें यह भी बताएंगे कि इसको मतलब अपने एडमिन पैनल नहीं मतलब हमारा जो इंजेक्टर है उसके अंदर कैसे अपना लॉगिन पेज लगाएं, वो भी हम तुम्हें बता देंगे इसी वीडियो के अंदर, बस पूरा वीडियो देखते जाओ। तो WW के नाम से ये रजिस्टर हो चुका है। अब आएंगे वापस क्रोम के अंदर एंड यहाँ पे इसको देखो यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन मिलेगा, तो रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारा देखो यहाँ पे ये जो WW के नाम से एक न्यू यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्वर है वो बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है। अभी इधर साइड तुम्हें वापस से आना है एंडलुआ के अंदर, इसको बैक करना है। बैक कर देने के बाद ये जो तुम्हारी लिंक थी इस लिंक को तुम्हें यहाँ पे देखो एक मिलेगा लॉगिन अंडरस्कोर फंक्शन डॉट लुआ, देखो यहाँ पे एक ये वाला मिलेगा ना लुआ फाइल, तो इसके अंदर आना है। इसके अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आ जाने के बाद इसमें भी देखो एक सर्वर डालने का ऑप्शन मिलेगा, तो तुम्हारा जो लिंक है उसके यहाँ पे इतना ऐसा सिलेक्ट करो, अपने लिंक को ऐसा पेस्ट कर देना है, तो सिलेक्ट करो एंड पेस्ट कर दो अपने लिंक को। और देखो ये वाली मतलब जितनी भी कोडिंग है ये वाली इसके अंदर की कोडिंग लॉगिन अंडरस्कोर फंक्शन डॉट लुआ, इसके अंदर की ये जो जितनी भी कोडिंग है ये हमारा लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज बोले तो अभी देखो इतना ऐसे सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल कर लेने के बाद तुम्हें यहाँ पे सबसे ऊपर कॉपी का बटन मिलेगा, तो तुम्हें ये पूरी की पूरी कोडिंग को कॉपी कर लेना है जो कि रहेगा लॉगिन अंडरस्कोर डॉट लुआ। तो ये कोडिंग को कॉपी कर लेने के बाद तुम्हें बैक आना है। बैक आ जाने के बाद तुम्हें अपने इंजेक्टर के प्रोजेक्ट के अंदर आना है। जैसे कि मान लो ये मेरा डेमो वाला प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर हम आएंगे एंड यहाँ पे आ जाने के बाद पहले हम इसको प्ले करके दिखा देते हैं तुम्हें। तो यहाँ पे देखो प्ले करते ही डायरेक्ट स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो स्टार्ट कर लेने पे यहाँ पे हमारा जो इंजेक्टर का बोले तो ये होता है मतलब फ्लोटिंग विंडो ये आ चुका है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर वो लगाएंगे बोले तो फ्लोटिंग विंडो नहीं मतलब अरे यार क्या बोलते हैं लॉगिन पेज लगाएंगे, ठीक।
तो इसको ये करेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें सबसे नीचे एक प्लस आइकन को देखने को मिल जाएगा, प्लस वाला आइकन ये जो मिलता है, प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे कुछ भी नेम दे देना है। तो यहाँ पे हम चलो लिख देते हैं लॉगिन, चलो लिख देते हैं LOGIN लॉगिन, और इसको डॉट लुआ है सर, डॉट लुआ मतलब लुआ पे सिलेक्ट करके इसको क्रिएट कर देना है। क्रिएट कर देने के बाद ये जो कोडिंग पहले से ही लिखी रहेगी इन सबको सिलेक्ट ऑल करो, इन सबको हटा दो, मतलब पूरा ब्लैंक कर देना है। ब्लैंक कर देने के बाद तुमने जो अभी अभी कोडिंग कॉपी किया है ना लॉगिन अंडर स्कोर फंक्शन डॉट लुआ के, मतलब लॉगिन फंक्शन की जो तुमने अभी कोडिंग को कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इसको पेस्ट कर देने के बाद तुम्हें यहाँ पे आना है मेन डॉट लुआ के अंदर। मेन डॉट लुआ के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे सबसे ऊपर आना है, सबसे ऊपर मतलब ये जो इम्पोर्ट वगैरह लिखा है ना, यहाँ पे इम्पोर्ट इम्पोर्ट ये सब लिखा है, तो इसके नीचे बिल्कुल जस्ट जहाँ पे भी तुम्हारा इम्पोर्ट खत्म होगा, जैसा कि यहाँ पे मेरा कहाँ पे खत्म हो रहा है, लाइन नंबर 18 पे मेरा इम्पोर्ट वाला फंक्शन खत्म हो रहा है, तो हम लाइन नंबर इस पे लाइन नंबर 20 पे आएंगे, एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे लाइन नंबर 20 पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन लिख देते हैं FUNCT फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद एक स्पेस लगाएंगे, स्पेस लगा देने के बाद तुम्हें यहाँ पे लिखना है मेन, ठीक है, मेन का एम बड़ा कर देना, एम बड़ा रहेगा, फिर AIN मेन लिखेंगे, उसके बाद दो ब्लैकेट लगा देंगे, एक क्लोज मतलब स्टार्टिंग ब्लैकेट ब्लैकेट और एक क्लोजिंग ब्लैकेट, तो ये ओपनिंग ब्लैकेट है एंड इसको इसके बाद यहाँ पे बोले तो क्लोजिंग ब्लैकेट लगा देंगे। अब ये लगा देने के बाद तुम्हें यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है, बिल्कुल सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में जहाँ पे भी तुम्हारी कोडिंग खत्म हो उसको यहाँ पे और नीचे करना है एंड यहाँ पे लिख देना है END, तो END लिख करके तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से इसको बोले तो कर देना है, मतलब ENDI हो जाएगा, मतलब इसको जो तुम्हारा फंक्शन है उसको एंड कर देना है। अब तुम्हें यहाँ पे फिर से एक बार नीचे आना है, नीचे आ जाने के बाद मतलब बोले तो मतलब एंड कर देने के बाद और नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट, तो IMPORT इम्पोर्ट लिखना है, स्पेस लगाना है, स्पेस लगा देने के बाद एक ये वाला डॉट डॉट लगाना है, जो कि एक बार में दो डॉट डॉट लग जाता है ना, अब इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं यार, वो हमें नहीं पता है, अब इसको मतलब ऐसा कर लेना है, ये डॉट डॉट लगा देना है। उसके बाद तुम्हारा ये जो ये वाला नाम रहेगा लॉगिन डॉट लुआ, तो तुम्हें यहाँ पे वही सेम टू सेम लिख देना है, लेकिन डॉट लुआ मत लगाना, सिर्फ लॉगिन लिखना है, तो LOGIN लॉगिन लिखना, उसके बाद वो जो डॉट डॉट वाला है उसको लगा करके वापस से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद तुम्हें लॉगिन डॉट लुआ के अंदर आना है एंड एक बार यहाँ पे अपनी लिंक वगैरह देख लेना है कैसे क्या है, यहाँ पे देखो मतलब अपनी लिंक एक बार चेक कर लेना है डली हुई है कि नहीं डली हुई है। अब इसको प्ले करना है, प्ले कर देने के बाद तुम्हारे सामने यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से लॉगिन विंडो आ चुकी है। अब हम उसी वाले यूज़र नेम से इसको बोले तो रजिस्टर करेंगे, जो कि हमारा क्या था WW वाला था, एक था हमारा AA, दूसरा था WW, तो WW इसको पासवर्ड डालेंगे, मतलब यूज़र नेम डालेंगे एंड फिर से WW पासवर्ड, इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर देते ही जो हमारा मतलब बोले तो लॉगिन पेज है वो हट जाएगा, मतलब हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लॉगिन वेलकम लिख करके आ चुका है, वेलकम डॉट डॉट मतलब उसका यूज़र नेम लिख जाएगा, उसके बाद स्टार्ट, कोई भी तुम्हारा जो यूज़र रहेगा वो अपना इंजेक्टर को बोले तो एक्सेस कर सकेगा। तो इस तरीके से तुम लोग अपने सर्वर को सेटअप कर सकते हो एंड अपने इंजेक्टर के अंदर वो भी लगा सकते हो, जिसको बोलते हैं मतलब लॉगिन पेज। और तुम्हारा जो मतलब सर्वर फाइल है उसका लिंक जो है वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना सर्वर फाइल को एंड इस तरीके से अपने सर्वर को सेटअप करके अपने इंजेक्टर को तुम लोग रन करवा सकते हो, एडमिन पैनल को वर्क करवा सकते हो एंड जितनी भी फाइल्स हैं उन सबका लिंक तुम्हें मिल जाएगा। एंड अगर देखो हाँ, काफ़ी सारे लोग अखंड लोग जो रहते हैं वो कमेंट करते रहते हैं कि भाई यार टेलीग्राम का लिंक वर्क नहीं कर रहा है, तो यार भाई उसमें देखो हमने लिख रखा है कि अगर टेलीग्राम का लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो तुम लोग जा करके टेलीग्राम पर सर्च कर लिया करो, ठीक है। तो तुम्हें सिंपल से टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है डेवलपर ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे तुम्हें हमारा दोनों चैनल भी देखने को मिल जाएगा और हमारा चैट सेक्शन भी मिल जाएगा, जहाँ पे तुम आ करके चैटिंग कर सकते हो और इन दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेना और लिंक भी तुम्हें मिल जाएगा। अगर लिंक काम नहीं करता है तो टेलीग्राम पर सर्च कर लेना। और यही था वीडियो, अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ ठोक डालो यार, अभी तक क्या कर रहे हो, ठीक है। और तुम्हारा कोई सा भी अखंड प्राणी दोस्त हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी ये सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर एंड बाय।